जगह जगह भागीरथ चौधरी के स्वागत के भव्य तैयारियां की गई हैं। इससे पहले जयपुर बीजेपी कार्यालय में भागीरथ चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने मंत्री भागीरथ चौधरी का जोरदार स्वागत किया। जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सबको देखिए क्या बहुत बहुत आभार, सबका आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है उसमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि मैं साधारण एक किसान के परिवार में जन्म लिया है और मुझे पता है कि इस देश के किसान अन्नदाता की क्या पीड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया, किसान के हित में काम किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, जो 10 साल में जो उन्होंने काम किया है, यदि देश की आज़ादी के बाद आज तक इस देश में शासन किया, यदि वो किसान की सुध लेते तो देश की आज किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। परंतु मोदी जी ने, मैं पहले कहना चाहूँगा, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने सबसे पहले किसान फसल बीमा योजना लागू करी और उसके बाद 2014 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता के लिए चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, MSP बढ़ाने की बात हो, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि 2014 के पहले बाजरा 1100 रुपये क्विंटल MSP थी, आज 2500 रुपये क्विंटल है। 10 साल में 1400 रुपये क्विंटल बाजरे की MSP बढ़ी है। आप ऐसे ही मूंग 3100 रुपये क्विंटल 2014 के पहले था, आज 8552 रुपये है। ऐसे ही चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, सबकी मोदी जी ने MSP बढ़ाई। इसी रेसे से 76 साल देश को आज़ाद हुए होंगे। यदि किसान की चिंता करते तो किसान की आज माली हालत ये नहीं रहती। आज भी इस देश का अन्नदाता किसान 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला से लेकर सब काम करते हैं, कोई समय सीमा नहीं है उनकी। और मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उनकी आमदनी दुगनी हो, इसके लिए वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी 100 दिन का टास्क उन्होंने दिया है, रोड मैप तैयार किया है, और इसके लिए हमारे देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और दो हम राज्य मंत्री हैं। मोदी जी ने हमारे को कहा कि किसान के हित में जो भी आप अधिकारियों से, किसानों से राय लेकर किसान का भला कैसे हो सकता है, इसके लिए जितने भी उपाय है वो कर रहे हैं। समय पर उनको खाद और बीज मिले, प्रमाणिकता के मिले, समय पर मिले, इसके लिए 4 दिन तक लगातार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने बैठकें करी अधिकारियों के साथ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस देश का अन्नदाता राजस्थान का अन्नदाता,